से अधिक डायरिया के शिकार हो गए। एक घर में 2 से 5 लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने वहां पहुंचकर जांच शिविर लगाया और पीएचई विभाग ने पानी के सैंपल लिए। जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर रजूर में कुएं के दूषित पानी पीने से करीब 125 लोग डायरिया के शिकार हो गए। 2 दिन में अचानक संख्या बढ़ने से ग्रामीण दहशत में हैं। स्वास्थ्य विभाग को सूचना मिलने पर गांव में शिविर आयोजित किया गया है। गांव के हर घर में 2 से 5 लोग उल्टी दस्त से पीड़ित हैं। कुछ घर ऐसे भी हैं जहां पूरा परिवार डायरिया का शिकार हो गया है। कई लोग खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं। गांव के बाहर स्थित कुएं के आसपास गंदगी होने से कुएं का पानी दूषित होना बताया जा रहा है। हालांकि गांव के सरपंच पति इस बात से इनकार करते हैं। गांव में साफ सफाई और कचरे का निपटान नहीं होने से भी ग्रामीणों में असंतोष है। इसे भी पानी दूषित होने का कारण बताया जा रहा है। पीएचई विभाग ने कुएं में ब्लीचिंग डालकर अपने कर्तव्य से इतिश्री कर ली। गांव के स्कूल भवन में स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है। इसमें 2 दिन में 85 से अधिक लोग उपचार कराने पहुंचे। ग्रामीणों का कहना है कई घरों में पूरा परिवार बीमार है। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। क्या तकलीफ है यहाँ? यहाँ कहीं नहीं तकलीफ है। यहाँ खाना भी खाते हैं, यहाँ धर्मशाला बन गई थी। हाँ। तो कोई इसलिए रोकते हैं कि वो औरतें आती है हमारे में से और वो कचरा डालते हैं, ये दरवाजा छोड़ दिया था कि अब पतंगे फूकेंगे। हाँ। तो इसमें इसलिए वो बना नहीं मिलती। तो कुएं में क्या गंदगी? वो माता आती है ना बारह में, तो वो आके इसमें ठंडी करते हैं। वो तालाब है, नाला है, वो उधर नहीं ले जाते। हाँ। और यहाँ पे करते हैं। हाँ। और कहीं बाल्टा भर के वो तेल पानी वो सब्जी वब्जी वो भी यहाँ ला के डालते हैं सर। पानी खराब हो गया? हाँ, पानी तो अब खराब रहेगा ऐसा करेंगे तो। 2-3 बार मैंने निकाला तो मच्छर इतने काटते हैं तो साफ कर लेते हैं हम कपड़े धोने के लिए पीने के लिए। तो वो रहते थे इसके लिए जाली की ये करना है, पैक करना है, इतना सर छोड़ना है। क्या नाम तुम्हारा? चुन्नीलाल। मध्य प्रदेश के खरगोन।